शिवरी का करेरा बना रेत माफिया के ऐश कहा। नदियों का सीना छलनी करके निकाला जा रहा पीला सोना। आखिर कब तक जारी रहेगा नदियों पर अत्याचार। रेत के काले खेल में वन विभाग के करेरा रेंज के रेंजर अनुराग तिवारी और खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा के संरक्षण में चल रहा। जब भी इस संबंध के अधिकारी से चर्चा करनी चाही गई, अधिकारी कद्दी काटते नजर आए। शिवपुरी का करेरा बना अवैध रेत का बड़ा गढ़। रेत माफिया के आगे प्रशासन नतमस्तक। खनिज अधिकारी की मिलीभगत से चल रहा अवैध रेत का काला कारोबार। जंगल और नदी का सीना चीर कर रेत का काला खेल जारी। रेत का खेल में कई नेता और प्रशासन की मिलीभगत। शिवपुरी का खनिज विभाग, माफियाओं के अड्डे की बात करें या शिवपुरी के खनिज विभाग की बात करें, दोनों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिवपुरी में खनिज के कई संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन शिवपुरी का खनिज विभाग यहाँ के एक वरिष्ठतम अधिकारी के आने के बाद एक अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। अगर बात करें शिवपुरी में तो रेत के खनिज की अगर बात करें तो रेत का खनिज यहाँ पर अपार संपदा है, लेकिन फिर भी रेत के माफियाओं द्वारा नदियों के सीने को छलनी करते हुए उस रेत को निकाला जा रहा है। आखिर कब तक नदियों के सीने को छलनी किया जाएगा और इन रेतों को निकाला जाएगा? क्या इसी तरीके से रेत को निकालने के लिए नदियों का सीना छलनी किया जाएगा या होगी कोई उचित कार्रवाई? आखिर रेत के खेल में वन का हाथ वन विभाग के रेंजर अनुराग तिवारी, जो पिछले लंबे समय से करेरा और पिछोर रेंज के रेंजर हैं, जहां पर पहले तो इन्होंने जंगल को साफ कर दिया, वहीं अब नदियों का सीना छलनी करके उसमें पनडुब्बी डाली जा रही है और रेत निकाली जा रही है। वैसे तो वन विभाग कई क्षेत्रों में परमिशन की उपलब्धता नहीं करता, लेकिन इस समय जो स्थिति है वह करेरा क्षेत्र से किसी से छिपी नहीं है। शिवपुरी के करेरा में रेत का काला खेल जारी है। शिवपुरी के करेरा में रेत का टेंडर तो कंपनी को हुआ, लेकिन काम शिवा कॉरपोरेशन नाम की कंपनी कर रही है, जो कि मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है। मध्य प्रदेश के करेरा में रवि यादव नामक व्यक्ति इसी पूरी रेत के काले कारोबार का सरगना है। लीज तो सिर्फ कल्याणपुर खदान की हुई है, लेकिन चितारी और सीहोर क्षेत्र के कई अवैध रूप से घाट संचालित किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख है सीहोर घाट, चितारी घाट, हीरा घाट, पाल घाट, बट्टी सरदार का घाट, नवजोत सरदार का घाट, पुला घाट आदि का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण कंपनी शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। वहीं जब इस संबंध में शिवपुरी के खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा से संपर्क किया तो उनको सूचना होने के बावजूद भी वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए कि खनिज अधिकारी की मिलीभगत से संचालित हो रही अवैध रेत की खदानें आखिर कब तक करेरा रेंजर अनुराग तिवारी और खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा की मिलीभगत से चलेगा पीले सोने का काला खेल। संवाददाता अजय राय सक्सेना की रिपोर्ट।